हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आ लाया हूँ कंप्यूटर का एमसीक्यू वीडियो, जो कि ये आपका 5वें नंबर का वीडियो से। आप मेरे बाकी वीडियो को नहीं देखे होंगे तब जाके देख सकते हैं। आपका मैं लूसेंट कवर करा रहा हूँ यहाँ से, और आपके पटवारी में यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट कराता हूँ मैं यहाँ से, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं 200 क्वेश्चन करा चुका था, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और 200 एक क्वेश्चन है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था आपको, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990। तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार 1985 में स्टार्ट किया गया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीडी रोम और एक सीडी रॉ के बीच क्या अंतर है। तो एक ही दिशा सिर्फ ये एक ही सिर्फ विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त दो अलग अलग शब्द है। सीडी रोम को राइट किया जा सकता है और एक सीडी आरडब्ल्यू नहीं है। एक सीडी आरडब्ल्यू राइट किया जा सकता है, लेकिन एक सीडी रोम केवल पढ़ा जा सकता है। एक सीडी रोम एक सीडी आरडब्ल्यू की तुलना में अधिक जानकारी रखती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड तीसरा नंबर सही हो जाएगा। क्या अंतर है यहाँ पे, तो एक सी डी आर डब्ल्यू राइट किया जा सकता है, लेकिन एक सी डी रोम केवल पढ़ा जा सकता है। सी होता है, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। क्या होता है जब हम फ्लापी से फ्राई को डिलीट करने की कोशिश करते होते, फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती है। एक फ्लापी पर फाइल डिलीट नहीं की जा सकती, फाइल डिलीट हो जाती है और रिसाइकल बिन पुनः रिकवर की जा सकती है। फाइल डिलीट हो जाती है और फिर रिकवर नहीं की जा सकती। तो आपका फाइल डिलीट हो जाती है और फिर रिकवर नहीं की जा सकती, इसका सही ऑप्शन है। एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्न में से होता है, org.edu.dot.inst.co.w.sch। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, डॉट एजुकेशन आपका सही हो जाएगा, जो कि एक शैक्षिक संस्थान डोमेन नेम है। पोस्ट का पूर्ण रूप है आपका यहाँ पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि पोस्ट का फुल फॉर्म है। ये ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है, प्लॉटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो आपका स्कैनर जो कि सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है आपका स्कैनर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा, प्रिंटर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो आपका कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कर्सर कुछ स्थान पर रखकर F1 की दबाने के द्वारा, अपने कर्सर उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल प्लस इंटर दबाने के द्वारा, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक का प्रयोग करके, अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट का साइज बदलकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं, अपने कर्सर उचित स्थान रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर दबाने के द्वारा आप फोर्स कर सकते हैं। दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। LSTS लार्ज इंटीग्रेशन प्रयोग किसमें किया जाता है आपके, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो यहाँ पे चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को उद्देश्य विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना, इक्वेलेंट को बेहतर रन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को संसाधनों को बेहतर नियंत्रण की अनुमति देना,
उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका उद्देश्य होता है विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना। पहला सही हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट एक डैश है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित टेक्स्ट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उत्तरित टेक्स्ट, इंटरनेट के विकास पैकेज विकास में इस्तेमाल किया जाने वाले विशेष टेक्स्ट, विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसिवेशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली इसमें से कोई नहीं। तो आपका हाइपर टेक्स्ट एक विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली है। विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क स्पेस है 8 MB, 10 MB, 16 MB, 32 MB। तो विंडो रन कराने की आपकी न्यूनतम डिस्क स्पेस है आपका 8 MB होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट कर सकता है? इंकजेट, लेजर, डिजिबिल, डॉट मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका डॉट मैट्रिक्स जो कि कैरेक्टर जनरेट कर सकता है। एक्यूमुलेटर है एक हार्डवेयर यूनिट, सिक्वेंशियल सर्किट, फाइनाइट स्टेट मशीन, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो एक्यूमुलेटर है आपका रजिस्टर। खाली स्थान फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है F5, F6, F7, F8, इनमें से कोई नहीं। तो आपका F5 जो कि फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है, F5 की बटन। '1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था। तो आपका मैकफी, स्मिथ, फ्रेडरिक कोहेन, नॉटन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका फ्रेडरिक कोहेन है जो कि 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा को देने वाला पहला व्यक्ति, फ्रेडरिक कोहेन। सभी खुली विंडोज को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए विंडोज लोगो +D, विंडो लोगो +E, विंडोज लोगो +F, विंडोज लोगो G। तो आपका विंडोज लोगो +D जो कि सभी खुली विंडोज को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए यह की है। पहला ऑप्शन सही है। MS वर्ड में अल्टरनेटिव +Shift+D क्या करता है? तो स्वतः तारीख इंसर्ट करता है, समय इंसर्ट करता है, दिन करता है, उपरोक्त सभी। तो आपका MS वर्ड में अल्टरनेटिव +Shift+D आपका स्वतः तारीख इंसर्ट करता है। डेज बिना रिसाइकल बिन डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है, Shift+Enter, Shift+Delete, Shift+Dayero, Shift+Leftero। तो आपका Shift+Delete जो कि बिना रिसाइकल बिन में डालू हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है। इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? स्टार, बस, लीनियर, रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका लीनियर जो कि इनमें से आपका नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, लीनियर। एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची और भी क्या कहा जाता है? तो प्रोटोकॉल, प्रोग्राम कोड, रूल्स, फ्लो चार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रोटोकॉल कहा जाता है जो कि एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को कहा जाता है। एक टेबल में होता है फील्ड ऑफ कॉलम, रोज और कॉलम, रोज और सेल्स, उपरोक्त सभी। तो एक टेबल में होता है आपका और रोज और कॉलम। कंट्रोल +ESC क्या करता है? तो स्टार्ट मेनू दिखाता है, फॉर्मेट मेनू दिखाता है, टूल्स मेनू दिखाता है, इंसर्ट मेनू दिखाता है। तो कंट्रोल +ESC आपका स्टार्ट मेनू दिखाता है। एक प्रॉक्सी सर्वर एक डेस्क कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक्सटर्नल एक्सेस वाले, एक बैकअप के रूप में कार्य करने वाले, फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करने वाले, यूजर परमिशन की एक्सेस वाले। तो आपका यूजर परमिशन की एक्सेस करने वाले जो एक प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है? एक प्रोग्राम जो एक
बॉक्सर में रैप होता है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के स्थायी हिस्सा होता है, एक कंप्यूटर जो एक बड़े कंप्यूटर के हिस्सा होता है, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम एक मशीन को नियंत्रित करते हैं। तो आपका एम्बेडेड सिस्टम जो कि बेहतर परिभाषित करता है, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है, चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंट आउट लेने के पहले पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए एक डेस्क प्रयोग करते हैं, तो इंसर्ट टेबल, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, कट, प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू से प्रयोग करते हैं। डिजिटल वीडियो एक डेस्क की श्रृंखला होती है, वीडियो क्लिप, कैप्चर फ्रेम्स, पिक्चर, इनमें से कोई नहीं, तो आपका डिजिटल वीडियो एक फ्रेम्स की श्रृंखला में होती है। डेस्क डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, सेल, फील्ड, एप्लीकेशन, उपरोक्त सभी, तो आपका फील्ड डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार मुख्य रूप क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, कंपोरिंग, डिवाइडिंग, सॉर्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, सॉर्टिंग, संशोधन और मानचित्र, निर्णय, जोड़ना, घटाना, गुणा और विभाजन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज आपका एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार मुख्य रूप होता है। ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर है, उन्हें खाली स्थान टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, POS, DS, UDC, UPC, इनमें से कोई नहीं, तो POS आपका ज़्यादातर कैश रजिस्टर पर अब कंप्यूटर है, उन्हें POS टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस एक उदाहरण नहीं है, तो यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना, फाइलों की बैकअप कॉपी बनाना, जोड़ने हटाने, रिकॉर्ड को एडजस्ट करना, सिस्टम सुरक्षा प्रदान करना, तो आपका सिस्टम मेंटेनेंस एक यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा NA सर्वर का प्राइमरी कार्य है, लॉगिन, प्रमाणीकरण, फाइल शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस, ईमेल प्रोसेसिंग, तो आपका फाइल शेयरिंग है जो कि प्राइमरी कार्य है यानी सर्वर का। यदि आप विंडोज XP को विंडोज 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में डेस कर रहे हैं, आप स्टार्ट, अपग्रेड, अपडेट, पैच, इनमें से कोई नहीं, तो अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरा सही है आपका। वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए डेस है, तो सेव कमांड का उपयोग करें, यह नहीं किया जा सकता, डुप्लीकेट कमांड का उपयोग करें, डॉक्यूमेंट की कॉपी करें, सेव एज कमांड का उपयोग करें, तो आपका सेव एज कमांड का उपयोग करें। यहाँ पे वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए सेव एज कमांड का उपयोग करें। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डेस्क कहा जाता है, एकीकृत परिपथ, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, इनमें से कोई नहीं, तो मदरबोर्ड कहा जाता है जो कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को डेस्क के द्वारा दिखाया जाता है, ब्लिंकर्स, कर्सर, काजर, पॉइंटर, इनमें से कोई नहीं, तो कर्सर के द्वारा दिखाया जाता है आपकी स्थिति को। कितने मेगाबाइट एक गीगाबाइट बनता है, तो आपका 1024, 128, 256, 512, 64, आपका 1024 जो कि मेगाबाइट एक गीगाबाइट बनता है। आउटपुट डिवाइस के प्रयोग खाली स्थान में हो सकता है, इनपुट डाटा, डाटा स्टोर, स्कैनर डाटा, डाटा को देखने या मुद्रित करने, इनमें से कोई नहीं, तो आउटपुट डिवाइस के प्रयोग आपका डाटा देखने या मुद्रित करने के में हो सकता है, फोर्थ सही हो जाएगा। कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है तब कंप्यूटर बंद हो जाता है, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, तो आपका मेमोरी है जो कि सामग्री नष्ट, तब कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर बंद होने से मेमोरी आपका नष्ट हो जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है, जब आप इसको
इसमें से करते हैं रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं, तब कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा बरकरार रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में रखने से। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी कन्वर्टर और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह रखता है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, तो आपका सर्वर सही ऑप्शन है। हार्डवेयर का एक भाग जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके, खाली स्थान कहलाता है, रेड वायर, ब्लू कार्ड, टावर, मॉडेम, तो मॉडेम कहलाता है। जब पॉइंटर खाली स्थान पर स्थिति किया जाता है तो यह एक हाथ जैसा आकार हो जाता है, तो ग्रामर एरर, फॉर्मेटिंग एरर, स्क्रीन टैप, स्पेलिंग एरर, तो हाइपरलिंक कहा जाता है। मोबाइल कॉमर्स सबसे अच्छे रूप में वर्णन है। विपणन में कियोस्क का उपयोग परिवहन उत्पादों, वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल सेवाओं खरीदने और बेचने। विपणन में नोट पीसी के प्रयोग, तो आपका मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छे रूप में वर्णन है वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल सेवाओं खरीदने और बेचने से। निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा सूचना स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क उपयोग करता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, स्थायी डिस्क, तो आपका हार्ड डिस्क है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि स्थायी रूप से चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के क्या लाभ हैं, तो सीडी रोम के डाटा और जानकारी बड़ी राशि जमा करने के लिए एक सस्ता तरीका है। सीडी रोम डिस्क चुंबकीय डिस्क की तुलना में डाटा और जानकारी अधिक तेजी से प्राप्त करते हैं। सीडी रोम चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर को कम करते, उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो कि सीडी रोम से लाभ हैं सभी। डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी है खाली स्थान के रूप में कहा जाता है, लैंडलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस, डिवाइस, तो आपका डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी है आपका ऑफलाइन डिवाइस के रूप में कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर, नंबर, इनमें से कोई नहीं, तो कंपाइलर कहा जाता है। एमएस वर्ड क्या है, तो एक खेल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टाइपिंग ट्यूअर सॉफ्टवेयर, तो एक एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका। 250 नंबर का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबोल, प्रोलॉग, इनमें से कोई नहीं, तो वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है आपका फोर्ट्रॉन। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ज़रूरतमंदों तक, और आपके एग्ज़ाम पास है जल्दी से जल्दी आप तैयारी करें और सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।